अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक क्लास 9th एंड 10th। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिटी का मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब यह कि कोई भी अगर पावर होगी तो 3 की पावर में होगी, आपको पता है क्यूब का मतलब आता है। और यूनिटी मतलब, यूनिटी का मतलब होता है 1। कुछ भी है अगर आपके पास लिखा हो कि किसी चीज़ की भी जो है इक्वेशन बना रहे हैं, उसको कहा कि हमारे पास एक्स है वो यूनिटी है, मतलब हमारे पास होता है x = 1 है, इसका मतलब ये होता है यूनिटी का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब पहले क्यूब को अगर आप हटाएँ तो मतलब रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट हम किसका बनाना है, एक्स का रूट बनाना है, हम लिख दिए x = 1। अब क्यूब बनाना था, हमने लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो हमने जो है दोनों साइड्स में क्यूब ले लिया, ये हमारे पास हो गया है एक्स का क्यूब और 1 का क्यूब लेते हैं तो 1 ही आता है। तो हम यह दोबारा वैसे लिख लेते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने सॉल्व आगे करना है क्यूब रूट्स को। अब यहाँ पे प्लस में और जब सेट में जो शिफ्ट करते हैं साइन चेंज हो जाता है, -1³ = 0। अब ये हमारे पास a³ - b³ का फॉर्मूला बन रहा है। अगर आपको याद हो, हमने 9th क्लास की बुक में 2nd चैप्टर में हमने पढ़ा था a³ - b³ का फॉर्मूला होता है हमारे पास a - b, a² + ab + b²। ये हमारे पास क्यूब रूट का फॉर्मूला होता है। तब हम इसे जो है अपनी पुट कर लेते हैं फॉर्मूले की जगह, ये इक्वेशन जो हमारे पास है। अब a मतलब x और b मतलब 1 है, x - 1 x² + x 1 + 1² ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे = 0 भी हम लिखेंगे। उसके बाद अब हम दोनों को जो है लादा लादा करके पुट कर लेते हैं। हमने जो है एक्स का जो है वैल्यू देखनी है। अभी यहाँ माइनस जब उस शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 1+ पॉजिटिव में आ गई है, हमारे पास 1 x की वैल्यू आ गई है। अब जो दूसरा हमारे पास है उसको भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे पास x² + x + 1 = 0। अभी हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है a² + bx + c, ये हमारे पास इनमें वैल्यू सारी हम लिख लेते हैं, a = 1 है, b = 1 है और c = 1 है। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व फॉर्मूले में जो है हमारे पास होता है उसमें सॉल्व कर लेते हैं, -b - √(b²)-4ac/2a। हम आप पुट कर लेते हैं -b, हमारे पास 1 है, +1² - 4, ab 1 है और c हमारे पास 1 है, ÷2 और ये हमारे पास 1। ये हमारे पास बन जाता है -1 + -√(1)² 1 ही आता है, -4 × 4 = 4। सेम और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही अगेन आ जाएगा। और ये हमारे पास बन जाता है -1 + -√(-3)÷2। अब हम इसे 2 दफ़ा पुट कर लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब हमारे पास जो एक्स की 2 वैल्यूज आई हैं, एक आई है -1 + -√(-3)÷2 और एक्स हमारे प्लस तो -1 - √(-3)÷2। अब अगर आपको याद हो, हम यही जो है 9th क्लास की बुक में पढ़ा था, जो √(-1) होता है वो हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे जो है ये -√ जो है वो कॉम आयोटा ले लेते हैं, तो हमारे पास बन जाता है √(3)÷2। यहाँ पे भी हम जब भी √(-1) जो है कॉम लेते हैं आयोटा, तो हमारे पास बन जाती है कोई -1 - 3)÷2। तो ये हमारे पास जो है 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक
तीन बल्कि आ गई हैं हमारे पास। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास ये कौन सी आई हैं। थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, एक हमारे पास आई है वन आई है, जो हमारे पास एक्स माइनस वन की बनी थी उससे वन आ गया। एक मेरे पास आई है माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू, माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का फॉर्मूले जो है हमारे पास बन गया कि जब भी हमारे पास ये होगा तो हमारे पास ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की इक्वेशंस होती हैं। अब इस हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, इनमें हमारे पास दो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है हमारे पास, कम्प्लेक्स कंपाउंड भी आप कह सकते हैं इन्हें। इसमें जो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू, ये हमारे पास एक ही एक्स ही आई थी और एक ये माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आई ओमेगा डिवाइडेड बाई टू। हम जो है इन्हें जो है ओमेगा का नाम दे सकते हैं, ओमेगा मतलब हमारे पास ओमेगा ये होता है, ये हमारे पास ओमेगा होता है। ओमेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हमारे पास माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू होता है उसे हम ओमेगा कहते हैं, और जो हमारे पास माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री ओमेगा एयोटा डिवाइडेड बाई टू होते हैं, हम ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास दो हमारे पास हैं कम्प्लेक्स का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे हम आगे इस रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज भी है वो भी सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का पता चल गया होगा कि यूनिटी मतलब वन होता है, उससे रिलेटेड हमने जो है एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो है क्यूब रूट थ्री क्यूब रूट मैंने एक हमारे पास वन ये और ये हमारे पास बनी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू होते हमारे पास ओमेगा होता है, और ये जो सेकंड इक्वेशन माइनस आ रहा है ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इससे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।